सही बता रहा हूँ, क्वांटिटी बहुत अच्छी है। आप हमारी रोटी देख सकते हैं, कुछ लोग कच्ची दे देते हैं बट इन्होंने अच्छे से सेक के दी है, एकदम हॉट। गाइस ग्रेवी मैंने खाई अभी, ग्रेवी बहुत स्पाइसी है, बहुत अच्छी है, मुझे स्पाइसी फूड बहुत पसंद है। मैंने काठी का अपने घर के पास का भी खाया बट ये मुझे सच में अच्छा लगा। नेक्स्ट लोकेशन पे आ गए, डेरावाल नगर में ही हमारे नटकट केटर्स पे, जहाँ हम ट्राई करेंगे काठी कबाब और रुमाली रोटी। हम सारी जगह वो कवर करते हैं गाइस जो कि बहुत फेमस है, यहाँ की काठी कबाब और रुमाली रोटी का बहुत नाम सुना है। तो अब हम आपको टेस्ट करके बताते हैं कि क्या रिव्यू है, कैसा है और कितने रेटिंग देंगे हमसे। तो गाइस अब देख सकते हैं भैया ने कितनी अच्छी तरह गार्निशिंग करके दिया ऊपर धनिया की, और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। मैंने पहले जब लिया तब 150 रुपीज़ मुझे थोड़ा कॉस्टली लगा बट गाइस सही बता रहा हूँ, क्वांटिटी बहुत अच्छी है। और हमारी रोटी देख सकते हैं, कुछ लोग कच्ची दे देते हैं बट इन्होंने अच्छे से सेक के दी है, एकदम हॉट और बहुत सारी ग्रेवी है गाइस इसमें, स्पाइसी की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। मैं आपको टेस्ट करके अब इसका रिव्यू बताता हूँ एक बार। गाइस ग्रेवी मैंने खाई अभी, ग्रेवी बहुत स्पाइसी है, बहुत अच्छी है, मुझे स्पाइसी फूड बहुत पसंद है। मैंने काठी का अपने घर के पास का भी खाया बट ये मुझे सच में अच्छा लगा। मैं आपको एक बार इसकी काठी टेस्ट करके बताता हूँ कैसा है। रियली सॉफ्ट गाइस, रियली इसको 5 में से 4 स्टार दूंगा। 1 स्टार इसलिए कटेगा क्योंकि ऑयली बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा ऑयल इसमें दिख रहा है मेरे को, मेरे मुंह में भी आ रहा है। स्पाइसी अच्छा है, टेस्ट अच्छा है, इसके काठी सॉफ्ट है, रुमाली रोटी भी अच्छी है, बस ऑयली थोड़ा सा ज़्यादा है और 150 के हिसाब से वर्थ इट है। क्वांटिटी बहुत अच्छी है, मतलब 2 बंदे भी खाएंगे आपका पेट भर जाएगा। आप रुमाली रोटी एक्स्ट्रा करा सकते हैं, बाकी इसकी क्वांटिटी बहुत अच्छी है।